मॉर्निंग वाइफ। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था? मैं अरमान के साथ होटल में थी, फिर तुम वहां आए और तुम दोनों के बीच में फाइट हुई थी। हाँ, उसने तुम्हें अपने पास रखा हुआ था तो मैं कैसे बर्दाश्त करता? वो यहाँ लेके आया। मैं यहाँ लेके आया मतलब कहाँ कहाँ है हम? हाँ, और मैंने क्या पहना हुआ है? मेरी टी-शर्ट और क्या? मुझे दिख रहा है मैंने तुम्हारी टी-शर्ट पहनी है, लेकिन मैंने तुम्हारी टी-शर्ट क्यों पहनी है? तुम्हें सच में याद नहीं कि कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था कल रात को? हम यहाँ पे इस हालत में तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मतलब तुमने मेरी टी-शर्ट पहनी हुई है, मैं यहाँ ऐसे बिना कपड़ों के इस हालत में देखो। हाँ, हालत में मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या मुझे प्रिशा? समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे रुद, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ऐसे किया, तो तुमने मेरा फायदा उठाया जबरदस्ती की। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, तुमने जबरदस्ती की है मेरे साथ? फायदा तुमने उठाया है मेरा? मैंने? हाँ तुमने। वो तुम नशे में थी, तुम्हें चढ़ी हुई थी क्या? हाँ, और मैंने तुम्हें कितना रोकने की कोशिश की, तुमने मेरी एक नहीं मानी, मेरे करीब आती गई। और क्या कह रही थी तुम? तुम कह रही थी कि अब कुछ फील हो रहा है, अब कुछ फील हो रहा है, ये करते करते मेरे पास आ गई। और क्या और आगे क्या बताऊं मैं प्रिशा? मैं ह्यूमन हूं ना, इंसान हूं मैं, नहीं कंट्रोल हुआ मुझसे। नहीं 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 नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। ये वेंकटेश ने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया रुद्र, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज तुम मत रो यार, क्या करें, जो हो गया वो तो हो गया ना। वेंकटेश, मैंने तुम्हें बोला भी था, मैंने रोका था, तुमने माना नहीं। अब नहीं हुआ कंट्रोल तो क्या करें? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने। अरे क्या हो गया? शकल तो देखो अपनी, वेंकटेश और याद आ गए। प्रिशा कुछ नहीं हुआ यार, तो मजाक कर रहा था मैं। हाँ मैं मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ट्रस्ट में मैं मस्ती कर रहा था। मैं पूरी रात वहां सो रहा था, यहाँ आप सो भी नहीं रहा था। हाँ, तुम तो इतनी अच्छी हो, इतनी सच्ची हो, इतनी प्यारी हो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर सकता हूँ? तुम मुझे मिलोगे लेकिन अपनी मर्जी से, अपने मन से। अरे कितने बुरे हो तुम, कितना डरा दिया मुझे, कितने बुरे हो रुद्र, तुम कितने बुरे हो। अच्छा ठीक, अरे अरे मार क्यों नहीं हो यार प्रिशा? तुम्हें पता नहीं है मैं कैसा हूँ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अरे तुम्हें समझ जाना चाहिए ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसे? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रुद्र, कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों करता कोई? अरे मैं मजाक क्यों किया ऐसे? ठीक है माफ नहीं कर रहा, चलो दूर हट गया मैं। मेरी टी-शर्ट तो दे दो। तुम दूर रहो। अरे दूर रहो मुझसे। तुमको क्या मैं ऐसे बिना कपड़ों के पसंद हूँ क्या? क्या? अच्छा सॉरी। रुद्र आज तो तुम खुद ब्रेकफास्ट लाए हो, अब सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है, बहुत बदल गए हो तुम। तुम जो साथ नहीं थी, तुम चली गई, सारांश को खो दिया और उसके बाद मेरा सब कुछ चला गया। ये अकेलापन, गरीबी, मुश्किलें, ये सब ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, पर अच्छा है लाइफ ने ये छोटी छोटी चीजें भी सिखा दी मुझे। ये खुशियाँ जिनको लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, नोटिस नहीं करते। अरे खाओ ना, ठंडा करना है क्या ब्रेकफास्ट? खाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ? अच्छा ये बताओ
अरमान को पता है ना कि हम दोनों यहाँ हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इसको बता के आऊंगा कि हम कहाँ हैं? कैसी बातें करती हो तुम? क्या मतलब? तो तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए हो? उसे क्या बोला? बोला मैं उसे बेहोश करके आया हूँ, उसके सर पे मारा मैंने, तब तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। रुद्र! अरे तो क्या करता मैं यार प्रिशा, तुम ही बताओ क्या करता मैं? मेरे सामने तुम्हें टच कर रहा था, तुम्हें बाहों में उठा रहा था, कैसे बर्दाश्त करता मैं? तुम्हें पता है ना आई लव यू यार प्रिशा, नहीं मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो तुम उसे बेहोश करके मुझे यहाँ ले आए? वो बात नहीं है, वो भी वहां से मुझे मार रहा था। ऐसे नहीं होता है, तुम मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे अरमान के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अनवी को नहीं छोड़ सकती। अरे तुम मत छोड़ो ना अनवी को तुम, लेकिन उसके लिए अरमान के साथ रहना जरूरी नहीं है। विशा मैं भी अनवी से प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें उससे अलग नहीं करना चाहता, मैं भी उसे हर्ट नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, उसके पास नहीं रहूंगी तो वो हर्ट होगी? नहीं होगी प्रिशा, वो नहीं होगी। तुम्हें अनवी के पास रहना है ना तो ठीक है, तुम उसके पास रहना, उसका ख्याल रखना, उसको संभालना, हमारा घर तो पास में ही है ना, तुम जब चाहे वहां जा सकती हो और अनवी जब चाहे वो हमारे घर आ सकती है और जितना टाइम चाहिए हमारे पास रह सकती है। लेकिन मैं तुम्हें उस अरमान के साथ नहीं रहने दूंगा। देखो मैं तुम्हें अनवी की माँ बनने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें उस अरमान की पत्नी बनने से मना कर रहा हूँ। मैं हार्टलेस नहीं हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा अनवी का बॉन्ड, वो तुम्हारे लिए क्या है और तुम क्या हो उसके लिए, लेकिन वो अरमान नहीं प्रिशा, तुम उसके साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जा दूंगा, बात खत्म। रुद्र ये कैसे हो सकता है तुम? अरे हो सकता है प्रिशा, सब कुछ हो सकता है। अरे डिवोर्स दे दो ना यार उसको, आ जाओ मेरे पास, हमारे घर पे रहो, बस बात खत्म। इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ इजी है प्रिशा, मेरा तुमसे अलग होना इजी था, सारांश को खो देना इजी था, इतने टाइम तक तुमसे दूर ऐसे जिंदा रहना मेरे लिए इजी था, और तुम्हारे सामने होके तुम्हारे पास ना होना कुछ इजी नहीं था प्रिशा, कुछ भी इजी नहीं था, और ये भी इजी नहीं है, लेकिन ये भी सब सॉर्ट हो जाएगा, प्लीज मेरी बात मानो। और अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पहले की, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और आज के दिन तुम मुझे मिलोगी, मेरे लिए इससे स्पेशल गिफ्ट कोई हो नहीं सकता। वेंकटेश्वरा, मुझे अब समझ आया तुम दिल्ली से शिमला मेरे पास क्यों आए, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, और मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। तो तुमने ये क्यों बोला कि तुम अरमान के साथ मुझे नहीं देख सकते, उसके साथ रहने नहीं दोगे इसलिए शिमला आए हो? क्योंकि ये भी सही है। मुझे पता है, लेकिन आज तुम्हारा स्पेशल डे, और तुम तुम्हारा स्पेशल डे मेरे साथ स्पेंड करना चाहते हो, इससे बड़ा सच मेरे लिए कोई है ही नहीं। अब तो सब कुछ क्लियर है ना, अब तो तुम समझ गई ना कि क्यों मैं तुम्हें अपने पास लेके आया, क्यों मैं चाहता था कि आज का दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करो, उस अरमान के साथ नहीं। हैप्पी बर्थडे रुद्र। थैंक यू। तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें, सारी चिंता दूर हो जाए, और वेंकटेश्वरा तुम्हारी हर विश पूरी कर। मेरी तो एक ही विश है और वो हो तुम। पर थैंक यू प्रिशा कि तुमने ये आज का दिन मेरे साथ स्पेंड किया और इसको और स्पेशल बनाया, थैंक यू सो मच। तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।